ओनियन को पहले थोड़ा फ्राई करना है, फिर उसके बाद पेस्ट बना लेना है। मैं ना ऐसे ज़्यादा अमाउंट में कुछ नहीं बनाती है ना, सब्ज़ी वगैरह भी कुछ भी हो, मीट पॉर्क वगैरह, मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ ऐसे ज़्यादा चीज़ें बनाने पड़ जाती है तो कैसा होगा टेस्ट वो होगा ना, मसाले का अंदाज़ा भी इतना नहीं है क्योंकि कम कम खाना बनाना होता है, इतना ज़्यादा नहीं बनाना होता। ये ज़्यादा ही ले आया, फिर भी मैंने थोड़ा सा रख दिया है ऐसे फ्रिज में, कल बना के खाऊंगी बोल के। दही नहीं है घर में, मैं दही से बनाती हूँ मटन, तो अभी थोड़ा सा नमक, इसलिए मैं नमक और हल्दी इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा नमक भी एब्जॉर्ब कर ले और फिर थोड़ा सा नरम भी हो जाए, है ना। टमाटर थोड़ा मैं इसको वो बना लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ, पेस्ट बनानी है। हो गया, ये भी हो गया, निकाल लेती हूँ, जल जाएगा बाद में। ग्राइंड करना है इसको भी। जीरा पाउडर, गरम पानी, पोटैटो फ्राई करना भूल गई रे बाबा जी। अभी इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। हो गया ग्राइंड। मिर्ची, किधर निकल गया था ये? उधर बाहर, घर के बाहर। पूरा संगे था बाबा, তুমি কিন্তু কুকার দিও না, হ্যাঁ মনে এদিকে ঢেকা কম দিয়ে দিবা, আস্তে আস্তে উঠে থাকো, যতক্ষণ লাগবো, আজকে তো অনেক সময় আছে না, তারা কি কিছু मेरे लिए क्या लाया गया? योगा ड्रेस। ए बिल उड़ गया रे, क्या हो रहा? बिल अरे भाई का दिक्कत नहीं भाई, क्या क्या ए राम, अरे तो अपन तो मनु कर मने आज मांग दखनी से, मैंने सोचा सारे मेरे लिए है, मेरे लिए सिर्फ एक है ये, तेरे लिए है, मैं ये भी पहन लूंगी, मैं ये भी पहन लूंगी, मैं सब पहन लूंगी ना, এই সাইজে মানে পরি, কিন্তু আমি একটু বড় সাইজ পরি, লাগাই দেখুন বাবা, পাল্টাই লই হোনা কাপড় লাগান, লাগদো না আমি জানি, দেখলেই এই যে ফালতু वाला পার্টি লাগ পরে, লাগাই দাও, পাল্টাই লুম কইছি পরে শুনে না, কি সাইজটা স্মল না, অল্প আছে, আলো বাজা থেকে বড়, ঢাকা দাও ভালো করে, বারা কমন লাগতো না প্রথম দিকে, কমন লাগতো লাস্ট দিকে, সে লাস্ট দিকে সে হল কমে দিই ভাই, খুব যত্ন নাও, এত জ্বলাইছে কেমনে, সমৃদ্ধ সব, তুমি কি লবণ দিয়ে মাখো, এই যে মিস্টেক, লবণ দিয়ে কোনোদিন মাখতে নাই, না আজকে দই নাই করে আমি,
आज पता नहीं क्या होगा, इतना सारा मटन मैंने कभी नहीं पकाया है ना, थोड़ी 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 अमाउंट में पकाया। डर लग रहा है मेरे को, नर्वसनेस आ रहा है। पहली बार जब खाना बना रही थी जैसा फीलिंग आ रहा था ना, सेम दिक्कत वैसा फीलिंग आ रहा है अभी। इतना सारा मतलब सारे जो इसको पकाने के लिए मसाले वसाले भी मैंने ही रेडी की ना, जैसे गांव में बनाते हैं ढेर सारे कढ़ाई भर भर के, लेकिन उस टाइम में तो जैसे मसाले रेडी करके देने वाले अलग होते हैं ना लोग। वही आज अच्छा नहीं हुआ तो मन मेरा बहुत दुखी हो जाएगा। और भी ऑनियन चाहिए था शायद, इश क्या होगा खाना पता नहीं। हे भगवान, अच्छा बनवा दे खाना।